अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान की अपनी पसंद होती है और कामयाबी की भी हर एक की अपनी डेफिनेशन और वस्फ होती है। किसी इंसान के लिए पैसा सब कुछ है तो किसी इंसान के लिए दिल और दिमाग का सुकून सब कुछ है। कुछ इंसान ये सोचते हैं कि जब तक हमारी बैंक अकाउंट में 50 या 500 करोड़ रुपए नहीं होंगे तब तक हम खुश नहीं होंगे, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि दो वक्त की रोटी मिल जाए और दिल और दिमाग का सुकून हो तो सब बढ़िया है, सब मज़ेदार है। और चंद ही दिन पहले की बात है, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था हिंदुस्तान के एक गोल्ड मेडलिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। उन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी, जॉब अपनी छोड़ दी और आजकल वो एक सूफी बन गए हैं। वो अलग बैठ के लोगों को खुदा की बातें बताते हैं अपने मज़हब के हिसाब से। उनसे जब ये पूछा गया कि आप गोल्ड मेडलिस्ट थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो आपने वो जॉब छोड़ी क्यों, तो उसने कहा कि मुझे पीस ऑफ माइंड यानी दिमाग का सुकून नहीं था और मेरे लिए दिमाग के सुकून के अलावा कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। अगर मुझे दिमाग का सुकून, दिल और दिमाग का सुकून मैसर है तो समझो सब कुछ मैसर है। उस इंटरव्यू वाले ने फिर सवाल किया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप बता सकते हैं कि आप कितना महीने के कमाते थे, तो उस बंदे ने जवाब दिया कि मैं 1 लाख का करीब 80 से 85 लाख रुपए कम से कम कमा लेता था 1 महीने के। यानी जब ये जवाब उसने दिया तो इंटरव्यू वाले ने फिर पूछा कि 80 से 85 लाख रुपए 1 महीने कमाने वाले आप लोग आपको बेवकूफ़ नहीं कहते, तो उसने जवाब दिया लोग तो कहते हैं लेकिन लाजमी नहीं है जो चीज़ लोगों को पसंद हो वो मुझे भी पसंद हो, मुझे सिर्फ पीस ऑफ माइंड चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों इसी तरह से हम लोगों के जहन मुख्तलिफ होते हैं, हर इंसान की अपनी एक ख्वाहिश होती है, अपनी एक पसंद होती है। कुछ लोग दौलत के भूखे होते हैं, यहाँ तक कि कब्र में पैर लटक रहे होते हैं लेकिन फिर भी दौलत की हवस उनका पीछा नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दो वक्त की रोटी कमाते हैं और शुक्रगुजारी में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं पुरसकून अंदाज से। हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन है कामयाबी की और इस वीडियो में हम समझेंगे एक कहानी की मदद से कि कैसे हर इंसान की कामयाबी की वसफ अपनी होती है। कहानी यूँ है कि बहुत पुराने ज़माने में एक बादशाह हुआ करता था। एक दिन उस बादशाह के दरबार में, शाही महल में, 3 मुख्तलिफ मुल्कों के अक्लमंद तरीन इंसान उसके साथ डिनर यानी रात का खाना खा रहे थे। जब खाना खा चुके उसके बाद बातों में बादशाह ने सवाल खड़ा कर दिया कि असल कामयाबी किसे कहते हैं। तो उन 3 अक्लमंदों से जो पहला था उसने कहा असल कामयाबी यही है कि दौलत आपके पास हो, अगर दौलत आपके पास है तो उसकी चमक व दमक से लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करना और खुशामद करना शुरू कर देंगे। जब बादशाह ने दूसरे से पूछा तो दूसरे अक्लमंद इंसान ने कहा मेरे हिसाब से दौलत सिर्फ अकेली काफ़ी नहीं है, दौलत के साथ आपकी ताकत यानी आप बादशाह हैं तो ये भी एक किस्म की ताकत है, आपके पास दौलत भी हो और आपके पास पावर यानी ताकत भी हो। बादशाह जब तीसरे अक्लमंद इंसान की तरफ देखने लगा तो उसने कहा मेरे हिसाब से ये भी असल कामयाबी नहीं है, मेरे हिसाब से असल कामयाबी है सेहतमंद होना, दिल और दिमाग का सुकून होना और प्यार होना। सेहत से मेरा मुराद है कि आपको ना जिस्मानी मर्ज हो ना जहनी, दिल और दिमाग का सुकून आप समझ गए होंगे कि आप पुरसकून महसूस करें अपनी ज़िंदगी में, आपको ज़्यादा की चाह हवस ना हो, आप जितना है उसमें से मुतमैन रहें, खुश रहें। और प्यार से मेरा मुराद ये है कि कोई आपसे ऐसा कोई हो जो आपसे इज़्ज़त प्यार और एतमाद से बात कर सके या जिस पर आप एतमाद और प्यार से बात कर सकें जिससे, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें नहीं थी लेकिन दौलत बहुत थी, पावर भी बहुत था, फिर भी उन लोगों ने खुदकुशियां कर दी। क्योंकि इंसान अल्टीमेटली आखिरकार जिस चीज़ पे इंसान की अकल जाकर ख़त्म हो जाती है वो ये 3 चीज़ें होती हैं, सेहत, दिल और दिमाग का सुकून और प्यार। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने बात की कि कैसे हर इंसान की अपनी एक ख्वाहिश होती है, अपनी एक कामयाबी की वसफ होती है।
ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे बड़ा हौसला देता है इसी वीडियोज़ बनाने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके ज़िंदगी में आपकी कामयाबी की वसफ डेफिनेशन क्या है, आपके लिए क्या कामयाबी है।